नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और पावर पैक वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, मार्केट ने भी जो है आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है और अब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने जो है 20,000 की तैयारी कर ली और सेंसेक्स ने कहीं ना कहीं 46,000 की तैयारी कर ली है। जिस तरीके से मार्केट के खासकर आज इवनिंग सेशन में जिस तरीके से एक जबरदस्त बुलिश रैली देखने को मिली है, चाहे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, शानदार मार्केट के अंदर रिकवरी आई है और एक पॉजिटिव मोमेंटम बन गया है। क्या इसके प्रमुख कारण है, इनकी चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या इंपॉर्टेंट स्टडी है, इसकी भी चर्चा वीडियो में आगे करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मार्केट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक्स और जो मार्केट की न्यूज डेटा और ग्लोबल मार्केट का पर्सपेक्टिव, चाहे डाउ जोन्स की बात हो, फिटसी की बात हो, निफ्टी की बात हो, ये सारी चर्चाएं वीडियो में आगे करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पावर ऑफ मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है लगातार हम मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। आपके सामने अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियोस अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं, लाइव मार्केट भी दे रहे हैं, मार्केट के पहले भी दे रहे हैं और नाइट में भी दे रहे हैं। तो अगर आपको पावर ऑफ मार्केट का काम पसंद आ रहा है तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पावर ऑफ मार्केट को सब्सक्राइब करिए। और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। दोस्तों, निफ्टी का अगर टेक्निकल सेटअप देखें तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, इंट्राडे का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। कल के लिए पहला रेसिस्टेंस 19800 के आसपास मिलेगा और दूसरे रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो 19900 के आसपास दूसरा रेसिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट की अगर बात करें तो 19650 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए रहेगा और 19500 के आसपास दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी स्पॉट में बन रहा है। अब अगर आज के ट्रेंड का जब हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि भाई मॉर्निंग टाइम में निफ्टी में जरूर जो ओपनिंग हुई थी वो थोड़ा वीक हुई थी, पर आफ्टरनून सेशन में जो है ट्रेंड पिकअप हुआ है और इवनिंग सेशन में खासकर आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और जिस तरीके से शानदार एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, इसके कारण निफ्टी जो है 19700 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है और अब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने 20,000 की तैयारी कर ली है। तो ओवरऑल निफ्टी को लेके जो अब हमारा व्यू है वो बुलिश है। बैंक निफ्टी का टेक्निकल पिक्चर, टेक्निकल सेटअप देखें तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर भी अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी में। और इंट्राडे बेसिस पे अगर हम बात करें तो इंट्राडे बेसिस पे भी आज बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली है। लेवल्स की जहां तक अगर हम बात करें तो कल के लिए पहला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 45,000 का बन रहा है और 45,000 के लेवल को क्रॉस होने के बाद में अगला जो रेसिस्टेंस है वो 45,100 का है। सपोर्ट की अगर बात करें तो कल के लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,650 के आसपास है और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,200 के आसपास है। बैंक निफ्टी का आज पूरे दिन की अगर ट्रेडिंग की हम चर्चा करें तो ओपनिंग इसमें भी वीक रही है और आफ्टरनून काफी वोलेटाइल रहा है, क्योंकि 10:30 बजे के बाद में इसमें कुछ बुलिश रैली हुई और फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, पर इवनिंग सेशन काफी मजबूत हुआ है। पर अभी भी बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर क्लोजिंग करने में सफल नहीं हुई है। ये बताता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में आज भी टेक्निकल डाइवर्जेंस रहा है, जिसमें निफ्टी पॉजिटिव रही है और बैंक निफ्टी जो है थोड़ा कम पॉजिटिव रही है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आगे के दिनों में आपको एक स्ट्रांग कैचअप रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर दो इंडेक्स में से कोई एक इंडेक्स थोड़ा मजबूत रहता है तो आने वाले दूसरे दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा इंडेक्स कैचअप रैली को कर सकता है। तो ये आपको अपनी चीज जो है पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की। सेक्टोरियल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो आज के दिन में चूंकि बैंक निफ्टी में भी रिकवरी हुई है तो निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक के जो इंडेक्स है वो मजबूत बंद हुए हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि निफ्टी पीएसयू और निफ्टी रियलिटी जो हमने आपको एक टाइम एनालिसिस करके बताया था शानदार लाइफ टाइम हाई बना रहा है, तो निफ्टी रियलिटी, निफ्टी पीएसयू और ये जो निफ्टी पीएसयू पीएल प्राइवेट बैंक इंडेक्स है ये कल भी मजबूत रह सकते हैं। वीक सेक्टर की अगर बात करें तो निफ्टी मेटल की हमने चर्चा की थी, आज भी उसमें वीकनेस रही और साथ ही साथ में आज चूंकि मार्केट के अंदर जो फ्रंट लाइन सेक्टर है उनमें रिकवरी हुई तो जो कल डिफेंसिव सेक्टर में रैली आई थी वो आज एग्जॉस्ट हो गई। तो चाहे निफ्टी एफएमसीजी की बात करें, फार्मा की बात करें, उनके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो ये सेक्टर वीक रहे हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें, ग्लोबल एनालिसिस की अगर बात करें तो यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। यूएस मार्केट का जो टेक्निकल ट्रेंड है एट द मोमेंट थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव लग रहा है। यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें फिटसी कैक और डेक्स की, फ्लैट ट्रेंड आज देखने को मिला है। और अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो चाहे निक्केई हैंगसेंग संघाई जैसे जो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं उनके अंदर एक करेक्शन देखने को मिला है। तो कल के दिन हो सकता है कि मार्केट के अंदर जो आज रैली हुई है उसमें वीकली एक्सपायरी की भी जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कवरिंग रही हो,
तो कल हो सकता है ओपनिंग के टाइम पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की जरूरत पड़ सकती है। कोई मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि G20 की जो समिट है, वर्ल्ड के जो 20 पावरफुल देश हैं उनके बीच में जो समिट होने वाली है उसकी शुरुआत दिल्ली में भारत में होना है। भारत इस बार जो है इसकी मेजबानी कर रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, काफी इंपॉर्टेंट इसका इकोनॉमी के ऊपर असर होगा। कई ऐसे सेक्टर हैं जिसको इसका बेनिफिट हो सकता है, कंजम्पशन थीम के अंदर इसको आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, होटल इंडस्ट्री के अंदर इसका पॉजिटिव असर हो सकता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म जैसी जो इंडस्ट्री है या जो ट्रेड रिलेटेड सेक्टर है उनके अंदर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सेक्टर और इससे रिलेटेड कंपनीज आपके रडार पे होना चाहिए। ओवरऑल G20 जो समिट हो रही है उसके कारण भारत के अंदर इकोनॉमिकल जो एनवायरमेंट है काफी पॉजिटिव लग रहा है। दूसरी बात करें दोस्तों कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इस G20 समिट में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। इंडो यूएस के बीच में आप देख रहे होंगे कि पिछले कई सालों से जो रिलेशनशिप है काफी स्ट्रांग हो गए हैं, चाहे स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप की बात करें चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें, उसका सीधा असर जो है इकोनॉमी के ऊपर और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर पड़ता है, पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। खासकर ऐसे सेक्टर चाहे हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, एरोस्पेस सेक्टर की बात करें या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेक्टर की बात करें, ये कुछ ऐसे सेक्टर लग रहे हैं जिनको जो इंडो यूएस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की भारत की यात्रा है, इसमें बायलैटरल भी मीटिंग होने वाली है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में बायलैटरल समिट भी हो सकती है, तो काफी पॉजिटिव ये भारत और जो अमेरिका के रिश्ते हैं उसका असर जो है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है और ओवरऑल ये स्टॉक मार्केट भी जो है इसको चीयर कर रहा है। तीसरी बात ये दोस्तों कि एक दिग्गज FMCG की फूड सेक्टर की कंपनी है हल्दीराम, आप और हम सभी कहीं ना कहीं इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, काफी फेमस काफी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। अब एनालिसिस ये है कि टाटा कंज्यूमर जो है जो कि एक और दिग्गज कंपनी FMCG फूड सेक्टर की, उसका इस हल्दीराम कंपनी में 51% शेयर अर्थात मैनेजमेंट कंट्रोल को लेके जो है मार्केट के अंदर एक डील चल रही है। पर जो वैल्यूएशन निकल के आया है, एनालिस्ट कैसा मानना है कि जो $10 बिलियन का हल्दीराम का एक जो वैल्यूएशन उसकी मार्केट के अंदर बात चल रही है, एनालिस्ट को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड लग रहा है। अगर आप $10 बिलियन को इन टर्म्स ऑफ रुपीज में आप देखेंगे तो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से करीब करीब ये 82,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन बैठ रहा है। इस वैल्यूएशन में अगर डील होती है तो काफी पॉजिटिव रहेगी हल्दीराम के लिए। टाटा कंज्यूमर में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ जो है वीकनेस देखने को मिल सकती है, पर अगर इसके नीचे डील होती, क्योंकि ब्रांड वैल्यू हल्दीराम की नो डाउट अबाउट इट शानदार पेडिग्री है हल्दीराम की, और ये टाटा कंज्यूमर को एक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग भी काफी मदद करेगा। साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर को जो कंज्यूमर फूड वाला जो सेक्टर है इसमें बहुत सारी दिग्गज कंपनीज हैं उनके अंदर पेनिट्रेट करने में मार्केट शेयर बढ़ाने में जो है आसानी देगा, तो ये भी एक ऐसी डील है जो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं किस तरीके से डील आगे पैन आउट होती है। तो आशा करते हैं कि आज जो हमने आपका 360 डिग्री स्टॉक मार्केट एनालिसिस जो आपके सामने प्रस्तुत किया आपको पसंद आया होगा। अगर आपके हमारे चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन है तो हमें ईमेल के माध्यम से कमेंट के माध्यम से और दोस्तों आप लोग वीडियोस देख रहे हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए ताकि यूट्यूब से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आशा करते हैं कि आपको जो है पावर ऑफ मार्केट का काम पसंद आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।